दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 6 बज गया है। हम उठने वाले थे 4 बजे। मुझे ऐसी नींद लग गई कि 4 बजे उठ ही नहीं पाए। ये देखो यहाँ दो भाई लोग अपने कराटे मार रहे हैं। ये सुबह है, मस्त नज़ारा है भाई। जो आपको कल रात को नहीं दिखाई दिया था वो आज दिखाई दे रहा है। वाह, अपने डेढ़ भाई भी उठ गए। मॉर्निंग मॉर्निंग, ये देखो क्या नज़ारा है यार, शानदार। चारों तरफ से यहाँ पे पहाड़ों से घिरा हुआ है और अपना जो चांद है अभी भी यहीं पर ही है। ये अपने मेहताब भाई है, यहाँ है और साथ में कैमरा यहाँ लगा हुआ है उनका। ये वही कुआं है जिसके बारे में हमने बात करी थी रात को, यहाँ पे शूट कर रहे थे हम लोग। खूबसूरत जगह है, देखो दिन में तो दिन के उजाले में सब अभी आपको नज़र आ रहा है सारी चीज़ें। ये वो कंपाउंड है जहाँ पे हम लोग बैठे थे, काफ़ी खूबसूरत है। बॉनफायर की जगह ये देखो भाई, और ये जो कुटिया है खूबसूरत। हम उस रास्ते से कल आए थे यहाँ पर, और ये जो खूबसूरत कुटिया यहाँ पर है, ओके, इसके अंदर भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सो सकते हैं कटिया लगा के। और ये वो कुआं है जहाँ पे हम लोग ने पानी निकाला था, और काफ़ी खूबसूरत है, और इसमें बहुत सारे फिश भी है। आप देखो ये नज़ारा है भाई, ये नज़ारा है जो हम लोगों ने कल रात को मिस किया था। हमें तो पता ही नहीं पड़ा कि कैसा है वो। देखो कश्मीर में सुबह हुई है, कश्मीर में। ये देखो, कश्मीर में सुबह हुई है, सही बता रहा हूँ। बहुत ही शानदार लग रहा है। हम लोग उस कॉर्नर के जो घास है वहां तक कल गए थे हम लोग, उसके उस तरफ देखो पानी पानी है पूरा। दोस्तों कल रात को हम ऐसे यहाँ पर थे, इतना पानी था यहाँ पे, ऐसे घूमे थे पूरे इलाके में यहाँ पे। कुछ समझ में नहीं आया कि हम लोग कहाँ पर थे। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी जगह पर थे, पर असल में देखो बहुत ही सिंपल सादा जगह थी यहाँ पर। और अब देख सकते हो हमने डोर रैम पे लगा के रखे थे मछली के लिए। गया मेंढक, मेंढक भग गया, कुश्ती लड़ रहा है दोनों के दोनों। और सामने देखो बहुत सारे बर्ड्स है यहाँ पर। ये देखो उड़ रहा है, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। पकड़ 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 पकड़। दोस्तों खूबसूरत यहाँ पे सूर्योदय हो चुका है, ये देख सकते हो आप। बहुत ही शानदार यहाँ पर सूरज है जो बिल्कुल लाल दिख रहा है। मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। ए कुत्ता आ गया। अरे सब अपना खाना तोड़ रहे हैं। जब ने रात को बनाया था, जितना खाया खाया, बाकी बचाया अभी फिर खाएंगे। रोटी दाल है, ब्रेकफास्ट भी दाल टक्कर से होगा। कहाँ बैठ गया? कहाँ जाएंगे, इधर ही बैठो इसके। ये सही है, बहुत ही प्यारी सी जगह है यहाँ पर, देख सकते हो आप ये यहाँ पे। ओके, खटिया यहाँ पे लग जाती है, आराम से आप सो सकते हो ऐसे। और इसके बगैर हम लोग क्या कर दिए, बाहर की तरफ से लगा दिया था कल रात को। रोटी बहुत सारी बची हुई है, चावल भी है, चावल भी रखे थे यहाँ पर। आप देख सकते हो लौकी का जो बेल है, और यहाँ पे लौकी लगी हुई है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे। थोड़ा सा हम उस तरफ चलते हैं, वहाँ पर मुझे एक नेस्ट नज़र आ रहा है, जो होते हैं ना घोंसला बना देते हैं, जो बर्ड होता है लटकते हुए घोंसला बना देता है। ये देखो हर जगह आपको बहुत ही शानदार नज़ारे दिखेंगे प्यारे से। ये जो घोंसला है अभी पूरा का पूरा ड्राई हो चुका है, सूख चुका है, मतलब इसमें कोई चिड़िया अभी रहती नहीं है, ये तो यहाँ से हट गई है। क्या नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। धूप अभी खिल रही है और दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये देखो बढ़िया ऊंचाई से नजर भी आ जाते हैं सारी चीजें, यहाँ से सब दिखता है, ये दूर दूर तक। इससे मेरा बोलते हैं, हाँ हमारे यहाँ, हाँ और सोने के भी काम में आया था, जाना नहीं पड़ता है। सही है, मस्त बढ़िया। तो अभी हम लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सोनू भैया हमें जंगल की तरफ ले जा रहे हैं कि ये है यहाँ से रास्ता आगे बढ़ रहा है। हम लोग उस तरफ से आए, वहाँ पर भैया का मकान है, ये एक और मकान है, यहाँ पे सिर्फ दो मकान हैं। और अभी इस रास्ते से होते हुए हम लोग जंगल की तरफ चलेंगे। ये जो रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप है,
ऊपर की तरफ से चढ़ना पड़ रहा है। भैया आ जा, तुम अंदर दिखाता एक अलग नजारा। वाह ये देखो ऐसे जाना है अभी। जी पेड़ ये वाला तुम्हारे पेड़ वो दांतों में जो खून आता है ना इस पेड़। अच्छा क्या नाम बताया तुमने? चिचिट्टा के नाम से। चिचिट्टा नाम है। ओके ये वाला पेड़ है कनका जिसकी ये देखो कांटे कांटे इसमें पूरा कांटे हैं। उल्टा कांटा है। उल्टा कांटे है ना। हाँ उल्टा चिचिट्टा भी बोलते हैं कोई कोई तो। ये तीन चार तरह की भाषा है इसकी। जी भाई, भाई ये वाली। हाँ ओके देखो। अच्छा पाइपलाइन है। बता कहाँ तक जाता है ये? मेरे गौमुख से नलकेश्वर से सुधा वहाँ पे गया गुजरी महल। गुजरी महल ग्वालियर तक गया। जी मेरे नैनी की मांग थी कि मेरे बच्चा यहाँ के ग्वालियर के पानी से नहीं होगा। अच्छा तो मुझे मेरे नलकेश्वर का पानी चाहिए जब बच्चे होंगे। दो बच्चे हुए थे। अच्छा इसी पानी से हुए थे दोनों। okay. गिर हुए थे। जो पाइपलाइन है पूरी। ट्रैक करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे थे। जंगलों में मिलने वाला हर एक चीज जो होती है वो क्या है बिल्कुल ही आयुर्वेदिक। आप देख सकते हैं ये वाला जो जड़ है यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी जड़ होता है नीचे किस्सा। ओके इसको अगर खोदेंगे ये भी औषधि है। ओके और वैसे तो काफी सुंदर है। मुझे तो बिल्कुल ही घर की याद आ रही है। हम घर में ऐसे ही घर की तरफ ऐसे घूमते थे। और ये जो अभी बताया था भैया ने ये वाले इसके बारे में इसके जो कांटे हैं ना भाई पैर में लग लग के पूरे जलन मच रहा है। यो सो फाइनली हम लोग जगह पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ओके और काफी सुंदर चट्टान है यहाँ पर। ये देखो आ मजेदार है यार। ये देखो काफी प्यारा है। ये देखो अरे सब चढ़ जाएंगे। चलो चढ़ जाएंगे। तो भैया ऐसे जाना है। संभाल के भाई। एडो आराम से ये कांटे ध्यान रखना। ये भैया यहाँ पे मंदिर की तरफ लेके आए। अंदर मंदिर है तो झाड़ियों के अंदर से आना पड़ता है यहाँ पर ऐसे। ये देख लो वाह। So, यहाँ मंदिर की तरफ आ चुके हैं। ये टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव राइट। महादेव की मूर्ति है। पानी भरा रहता है। पानी भरा रहता है। ऐसे बारह मास पानी रहता है इसमें। ये देखो देखा भैया तुमने जो कभी प्रतिमा है महादेव की। हाँ भैया हमने तो ऐसे ही भोलेनाथ देखे हैं इसमें और ऐसे ही पानी भरा देखा हमने। हमेशा पानी रहता है। हमेशा बारह मास कितने भी मतलब पानी कभी नहीं बरसे। दो चार साल नहीं बरसा जब भी पानी ऐसे ही रहता है। दो साल काल तो मेरे आगे पड़ गया यहाँ पे। अच्छा सूखा बिल्कुल सूखा बोलते हैं। सूखा दो साल हमारे यहाँ पे पड़ गया है। जब भी मैंने ऐसे ही पानी देखा है इसमें भरा हुआ। अच्छा कमी नहीं होता क्योंकि गंगा मैया प्रकट है यहाँ। अच्छा और भोलेनाथ है यहाँ पे तो गंगा मैया प्रकट है उन पर जल चढ़ाने के लिए तो ऐसे पूरे टाइम भरा रहता है। पहाड़ की तरह से ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे थे तो ये देख लो क्या नजारा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। पूरा पानी भरा हुआ है और दूर दूर वे आपको खेतों में नजर आ रहे थे गाय भैंसे जो चर रहे हैं। अभी दोपहर के 12:30 बज रहा है और हम लोग यहाँ से अभी रवाना हो रहे हैं घर की तरफ। तो सोनू भैया ने हमारे लिए स्पेशल ये थाली बनवाई है। बढ़िया ये देख सकते हो पूरी सब्जी है खीर है मस्त मजेदार। अरे क्यों नहीं जरूर डेढ़ यहाँ पर